दोस्तों क्या हाल है आप सबके। मैं मृदुल गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GM फर्नीचर पर। दोस्तों आज हम किचन सिंक के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि इंडियन किचन कंडीशंस के हिसाब से हमें सिंक किस तरह का लेना चाहिए, हमें कौन से ब्रांड, कौन सी प्राइस, क्या क्या फीचर्स, कौन सा मटेरियल। इसके अलावा सिंक के बारे में जो भी बेसिक जानकारी होती है आज इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। साथ ही आपको मैं कुछ जो टॉप सिंक है हमारी नज़र में उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहाँ से आप परचेज कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंक और क्या क्या फैसिलिटी होती है और क्या क्या वैरायटी होती है और हमें आपके लिए राइट सिंक कौन सा है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए GM फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोज के लिए और कॉन्टेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज। सिंक के बारे में जानकारी जो मैं देना चाह रहा हूँ उसमें सबसे पहली चीज जो होती है बाउल होती है, मतलब कितने बाउल का सिंक है अपना। तो उसके बेसिस पे सिंक को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है सिंगल बाउल सिंक, जैसा नाम से समझ में आ रहा है इसके अंदर एक बाउल होती है सिंक की, और ये जो है वहाँ की फैमिली के लिए सही रहता है जहाँ पे सिंगल कुक काम कर रहा है, मतलब सिंगल कुक है। ये जो है बड़ा कॉम्पैक्ट सा रहता है पीस और बहुत क्लीन करने में इजी रहता है। अगर साइज़ की बात करें दोस्तों तो ये 22, 16, 24, 18, 32 इंची तक आता है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम साइज़ रहती है वो 30-32 इंची रहती है। जो ज़्यादा रनिंग में साइज़ है वो 24-18 वाली है। इसकी जो डेप्थ की बात करें दोस्तों तो वो 8 इंची से लेकर के 10 इंची तक आती है। मेरा प्रेफरेंस रहता है कि आप 9 इंची 10 इंची वाली डेप्थ को प्रेफर करो, उसमें क्या है कि यूटेंसिल्स वगैरह को, बड़े यूटेंसिल्स को क्लीन करना इजी रहता है। अगर दोस्तों उसमें प्राइस रेंज की बात करें तो ये वाले जो सिंक होते हैं वो 700-800 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, नॉर्मल स्टील वाले जो रहते हैं 202 ग्रेड के, और अप टू 6000-7000 तक की रेंज के आते हैं। अगर आप बढ़िया सिंक लेना चाहोगे तो लगभग आपको 2-2500 रुपये की रेंज में इजीली जो है सिंक अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों जो दूसरा टाइप हो गया वो डबल बाउल सिंक हो गया। डबल बाउल सिंक जैसा नाम से समझ में आ रहा है इसमें दो बाउल्स रहती हैं, तो ये जो है वहाँ पे काम आता है जहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग करनी है या फिर एक से ज़्यादा कुक अवेलेबल है, तो वहाँ के लिए जो है डबल बाउल सिंक है। अगर इसकी साइज़ की बात करें तो दोस्तों ये जो है वो 32 इंची से विड्थ से शुरू हो जाता है, 32-16 का भी आता है, 32-18 का भी आता है, और लगभग 48 तक आता है, 48-16, 48-18 का। जो गहराई की बात करें तो वही 9-10 इंची की गहराई में इसमें प्रेफर करनी चाहिए। दोस्तों जो तीसरा इसके अंदर रेट्स रह गई, तो रेट्स की अगर बात करें तो लगभग 2300-2400 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और लगभग इसकी रेट 10-12 हज़ार रुपये तक आती है। मीडियम रेंज में आप कहीं पे भी इसको सेट कर सकते हैं, ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में जो है सिंक विद ड्रेन स्टैंड आता है, मतलब ड्रेन स्टैंड साइड में होता है और सिंक रहता है, तो ये वाला जो है वो भी काफ़ी पॉपुलर है इंडियन किचन्स में, क्योंकि यहाँ पे जो है वेजिटेबल और यूटेंसिल्स को, जो क्लीन हुई वेजिटेबल यूटेंसिल्स है उसको ड्राई करने के लिए जो है वो वाला ड्रेनिंग वाला जो एरिया है वो काम आ जाता है। तो दोस्तों ये वाला जो है ये भी अच्छा मॉडल है, इसमें भी सिंगल बाउल विद ड्रेन स्टैंड आता है और डबल बाउल विद ड्रेन स्टैंड आता है। तो सिंगल बाउल वाले की जो साइज़ है वो 37-18 के लगभग होती है और डबल बाउल वाले की जो साइज़ है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मतलब वो 45 के ऊपर होती है। तो इसमें जो खास बात ध्यान रखने की है दोस्तों हमें, वो ये है कि हमें सिंक का जो मॉडल है वो पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा किचन बनाने से पहले, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों उसका जो कैबिनेट है वो प्लान होगा नीचे का। अगर आपने सिंक पहले डिसाइड नहीं किया और कैबिनेट पहले बना लिया तो फिर उसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर मॉडल के सिंक को फिट करना दिक्कत वाला काम हो जाता है। दोस्तों हमने बाउल के अकॉर्डिंग समझ लिया कि सिंक तीन तरह का है, अब हम समझते हैं कि इंस्टॉलेशन टाइप्स है, मतलब किस तरह से उसको फिट करना है उस हिसाब से सिंक के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों पहला जो इसके अंदर होता है मतलब इंस्टॉलेशन टाइप में, वो होता है टॉप माउंटेड। टॉप माउंटेड जैसा आप साइड में पिक्चर में भी देख पा रहे हो, ये जो है ऐसा मॉडल होता है जो टॉप से फिट होता है, मतलब इसमें जो रिम है सिंक की वो जो है टॉप के ऊपर आती है और वो टॉप से फिट होता है। ये जो है दोस्तों चीपेस्ट मॉडल्स रहते हैं जो इस तरह के आते हैं, वो सस्ते रहते हैं और काफ़ी अच्छे भी रहते हैं, ड्यूरेबल भी रहते हैं। ज़्यादातर जो स्टील सिंक है वो इसी टाइप के मॉडल में आता है। दोस्तों इसके बाद में जो आपका सेकंड टाइप का जो हो गया वो अंडरमाउंट सिंक होता है। अंडरमाउंट सिंक वो होता है बेसिकली जो काउंटर टॉप के नीचे फिट होता है, मतलब अंडरमाउंट रिमिंग होती है उसके अंदर, ऊपर से रिमिंग नज़र नहीं आती। ये जो वाले सिंक होते हैं ये आपके काउंटर टॉप को एक अच्छा लुक देते हैं इसमें, बट इसमें थोड़ी सी तकलीफ ये है कि इसके अंदर जो है सीपेज के चांस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं अगर इसकी फिटिंग प्रॉपर नहीं हुई तो ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है। बाकी ये कि इसमें काउंटर टॉप को क्लीन करना काफ़ी आसान होता है क्योंकि काउंटर टॉप के ऊपर कुछ होता नहीं है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो। दोस्तों जो तीसरा तरह का हमारा सिंक होता है उसको इंटीग्रेटेड सिंक बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सिंक का बेसिकली मीनिंग ये हुआ कि जिस मटेरियल का अपना काउंटर टॉप बना हुआ है उसी मटेरियल का अपन ने अपना सिंक बना दिया। जैसे मान लो आपका ग्रेनाइट का काउंटर टॉप है तो ग्रेनाइट का सिंक बन गया, क्वार्ट्ज का काउंटर टॉप है तो क्वार्ट्ज का सिंक बन गया, अगर आपका मान लो कि मार्बल का काउंटर टॉप है तो मार्बल का सिंक बन गया। तो ये जो चीज़ है वो इंटीग्रेटेड सिंक वाला पार्ट है, ये बेसिकली जो है वहाँ पे काम आता है जहाँ पे आपको सीमलेस लुक देना है, बिल्कुल ब्यूटीफुल किचन बनाना है। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली वाला मेथड है लेकिन अच्छा रहता है। इसमें ऐसा है कि ग्रेनाइट वाला अगर बनाएंगे तो बहुत सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर क्वार्ट्ज वगैरह पे जाएंगे तो काफ़ी कॉस्टली कॉन्सेप्ट हो जाता है ये वाला।
तो ये जो है दोस्तों अपने फिक्सेशन के बेसिस पे तीन क्राइटेरिया थे सिंक के जो अपन ने आज डिस्कस किए हैं। दोस्तों अब हम मटेरियल के बारे में जान लेते हैं कि कौन से मटेरियल का सिंक लेना चाहिए। तो दोस्तों इसमें भी तीन तरह की कैटेगरी में जो टॉप है आपको बता देता हूँ। पहला हो गया आपका कि ग्रेनाइट मार्बल का जो कॉन्सेप्ट है उसी में अपन ने सिंक लगा लिया, जैसा इंटीग्रेटेड सिंक में मैंने बताया था आपको। तो इसमें क्या है बेनिफिट, ये कि सीमलेस लुक होता है, काफ़ी चीप पड़ता है अगर ग्रेनाइट और मार्बल का अपन ले रहे हैं तो। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अपन साइज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग साइज़ बना सकते हैं इसके अपन। लेकिन जो है दोस्तों मार्बल और ग्रेनाइट को अपन लगा रहे हैं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टू क्लीन होता है, क्योंकि अपने इंडियन किचन्स में जो इस तरह के स्टेन्स वगैरह रहते हैं, थोड़े से गर्म सामान रहते हैं या फिर जो हल्दी वगैरह के रहते हैं, तो उसको थोड़ा सा क्लीन करना डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि मार्बल के अंदर उतनी क्लीनलीनेस ईजिली नहीं होती। तो दोस्तों ये जो है हमारा मटेरियल का टाइप हो गया। सेकेंड टाइप का जो मटेरियल है एसएस का होता है, स्टेनलेस स्टील, जो कि काफ़ी पॉपुलर है इंडिया के अंदर। इसके अंदर दोस्तों 202 ग्रेड का स्टील का सिंक भी आता है और 304 ग्रेड का स्टील का सिंक भी आता है। आई विल प्रेफर कि आप 304 ग्रेड का स्टील का सिंक ही लें, क्योंकि उसके अंदर जो है रस्टिंग के चांस बिल्कुल ना के बराबर ही रहते हैं। दोस्तों इसके अंदर जो है स्टील सिंक का बेनिफिट ये है कि एक तो सस्ता है, इसके अंदर क्लीनलीनेस हाइजीन जो मेंटेन करना है वो काफ़ी ईजी रहता है। बस इसका जो थोड़ा सा ड्रॉबैक है वो ये कि इसमें साइज़ कस्टमाइजेशन नहीं होता, आपको साइज़ के अकॉर्डिंग ही अपना कैबिनेट प्लान करना पड़ेगा, अपना जो है काउंटर टॉप प्लान करना पड़ेगा जो साइज़ अवेलेबल है किचन सिंक के अंदर स्टील के अंदर। जनरली जो साइज़ होते हैं मैंने आपको बताया 22-18, 22-16, 24-18, 32-18, 48-16, 45-18, इस तरह के जो साइज़ हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आपको सिंक का मॉडल पहले डिसाइड करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों आजकल जो है साइलेंट मॉडल्स भी आ रहे हैं, क्योंकि इसमें आवाज़ ज़्यादा आती है, सिंक की जो प्रॉब्लम है आवाज़ ज़्यादा आती है स्टील वाले सिंक में, तो आजकल साइलेंट मॉडल भी आ रहे हैं। वो उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि साइलेंट मॉडल स्टील सिंक के अंदर कौन कौन से हैं। अब दोस्तों इसके अंदर जो तीसरा टाइप का होता है वो होता है क्वार्ट्ज सिंक। तो क्वार्ट्ज सिंक बेसिकली एक प्रीमियम कैटेगरी का सिंक हो गया, जिसके अंदर मल्टीपल कलर्स के अंदर, जैसे आइवरी हो गया, आपको ब्लू हो गया, आपका जो फ्रोस्टी वाइट हो गया, इस तरह के जो मल्टीपल कलर्स के क्वार्ट्ज आते हैं उसी कलर में सिंक अवेलेबल रहता है। तो ये वाला अगर आप सिंक प्लान कर रहे हो तो आई विल प्रेफर कि आप जो है जब काउंटर टॉप परचेज कर रहे हैं उसी टाइम पे सिंक को परचेज कर लें, ताकि क्या आपका कलर जो है बिगड़े नहीं और सीमलेस लुक दे, जो इसका एक बेनिफिट है। दोस्तों ये वाला जो मेथड है काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन ऑब्वियसली काफ़ी प्रीमियम भी है। इसके अंदर भी जो है वो क्वालिटी बढ़िया रहती है, आपको मतलब स्टेन्स वगैरह की या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गर्म पानी वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों ये जो है हमारा मटेरियल के हिसाब से हमने सिंक को डिवाइड किया है तीन पार्ट। दोस्तों अगर ब्रांड्स की बात करें तो इंडिया के अंदर सेरा ब्रांड अच्छा है, फ्रैंक अच्छा है, कैफ अच्छा है, इसके अलावा अनुपमा स्टील सिंक आते हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं, नीलकंठ के अच्छे आते हैं, जिंदल के अच्छे आते हैं, टेनेक्स के अच्छे आते हैं, क्रोकोडाइल सिंक एक बहुत बढ़िया आते हैं। तो दोस्तों ये जो है ब्रांड्स हमारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं इंडिया के अंदर, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सिंक आते हैं। अब जो इसके अंदर मोस्ट हमारे जो रिकमेंडेड 10 या 10-12 जो सिंक्स हैं उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका जो है पर्पज़ ये है कि आपको जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छे मार्केट के अंदर हैं उसकी जानकारी आपको मिले। तो वो वेबसाइट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वेबसाइट चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अभी हमारा क्या अपडेशन चल रहा है वेबसाइट पे, धीरे धीरे उसके अंदर प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे, ब्लॉग्स बढ़ते जाएंगे, जहाँ पे आके आप जब आप डिसीजन ले रहे हैं किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए तो वो आप ले सकते हैं। साथ ही आपको वहाँ पर अलग अलग वेबसाइट से कनेक्टेड लिंक मिल जाएंगे, जैसे अमेजोन से कनेक्टेड लिंक मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको हो सकता है कि आपके सिटी से बेटर प्राइस मिल जाए। तो आपको अगर बेटर प्राइस मिलती है तो आप वहाँ से भी ऑनलाइन भी अपने जो है किचन का मटेरियल, जैसे हार्डवेयर हो गया या फिर आपका अप्लायंसेज हो गए या फिर अदर जो आइटम हो गए वो परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों आप वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए और अगर आपको पसंद आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मेरे को उम्मीद है आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा, इसी तरह प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।